गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एमडी डिफेंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसकी 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फाइंड करने हैं रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। मीनिंग इसके हमें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं। जो एक्स स्क्वायर आगे कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब यहां पे 1 होता है। दिस और दिस टर्म की मल्टीप्लाई, मीनिंग 1 मल्टीप्लाई में माइनस 10 इक्वल टू माइनस ऑफ 10। मल्टीप्लाई तो चाहिए हमें माइनस 10, और सम ये तो चाहिए प्रोडक्ट। सम हमें चाहिए जो इसका कोएफिशिएंट होता है माइनस 3, मीनिंग माइनस 10 के ऐसे फैक्टर हो कि उनका जो प्लस या माइनस करें वो तो फैक्टर्स का वो तो माइनस का 3 आए और जो उनकी मल्टीप्लाई आए वो माइनस 10 आए। मैंने यहां से देखा माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 10। एक्स स्क्वायर था माइनस का 5 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। यहां से और यहां से हमने देखा एक्स कॉमन आ रहा है, तो x का x, यहां से x चला गया तो माइनस का 5। यहां से हमने देखा 2 को माना था तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमेशा ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम रहेगी यदि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो हमारे पास x माइनस 5 हमने सेम ले लिया यहां से, और ये x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 5। x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी माइनस 2। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे 5 और माइनस 2, ये हमारे आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पार्ट जो सेकंड है उसमें क्या गिवन हमें, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। मीनिंग हमें जो फैक्टर्स का सम या सब्ट्रैक्शन तो चाहिए हमें 1, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो वो चाहिए हमें माइनस 12। तो यहां पे देखा हमने 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3x, प्लस के 4x में से 3x तो x 1 चाहिए था हमें, तो 4 और 3 के मल्टीप्लाई 12। फिर हमने देखा यहां से और यहां से हमने 2x कॉमन लिया, तो 2 से 2 एक एक्स एक्स एक्स, 2 टू जा 4 तो 2। फिर हमने देखा यहां से और यहां से माइनस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। हमेशा ये सेम था, कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, जो पेंडिंग है उसको लिख देंगे 2x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारा माइनस 2 हो जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू प्लस का 3 इस साइड माइनस का, तो इक्वल की साइड से उस साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। एक्स की वैल्यू भी हमारी 3/2, तो हमारे जो रूट्स हैं हमारा माइनस 2 और 3/2। बिल्कुल इजी, छोटा सा टॉपिक्स करेंगे हम, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर क्या कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हमने देखा कि माइनस 12 थी, माइनस 12 के दो एक्स फैक्टर करने हमने जिनका सब्ट्रैक्शन या उनका एडिशन 1 हो जाए, ठीक है। तो हमने किया 4 और 3, 4 में से माइनस 3 किया तो प्लस का 1, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई की तो माइनस 12। देन क्वेश्चन थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में है रूट 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 5 रूट 2 इक्वल टू 0। हम देखते हैं, सबसे पहला तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मीनिंग रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2, 5 का 5 रूट 2 रूट 2 2, 5 टू 10। हमें मल्टीप्लाई तो चाहिए 10 और सम चाहिए, ठीक है, जो फैक्टर्स का वो चाहिए 7। तो हमारे पास क्या हुआ, रूट 2 एक्स स्क्वायर था प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहां से और यहां से हमने x कॉमन लिया तो रूट 2x प्लस ऑफ 5। यहां से देखा हमने रूट 2 कॉमन आया, ओके, क्योंकि हमने अभी देखा
रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू इक्वल टू टू, तो रूट टू कॉमन आ गया हमारे यहाँ से, तो हमारे पास रूट टू एक्स प्लस ऑफ फाइव इक्वल टू जीरो। ये टर्म और ये टर्म हमेशा हमारी सेम रहेगी, रूट टू एक्स प्लस ऑफ फाइव दिस दिस एक्स प्लस ऑफ रूट टू इक्वल टू जीरो, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाय रूट टू, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू। तो हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइव बाय रूट टू और माइनस रूट टू, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एम प्लस ऑफ एन, मीनिंग टू की पावर वन बाय टू मल्टीप्लाई में टू की पावर वन बाय टू इक्वल टू टू, टू की पावर मतलब वन। इजी है, इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं अभी हम, जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में है टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन बाय एट इक्वल टू जीरो, कैन सॉल्व दिस। सबसे पहला, यदि आपकी कॉन्स्टेंट टर्म्स या एनी टर्म्स पी बाय क्यू फॉर्म में है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें, बाय वन ओवरऑल का एलसीएम आपका एट, एट वन जाए एट, एट टू जाए सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर, एट वन जाए एट तो माइनस का एट एक्स प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ एट एक्स प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो, दिस टर्म और दिस टर्म की मल्टीप्लाई, तो सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, मल्टीप्लाई तो चाहिए हमें सिक्सटीन और उसके फैक्टर्स का सम चाहिए हमें माइनस का एट। मैंने देखा माइनस फोर मल्टीप्लाई में माइनस फोर तो माइनस का सिक्सटीन, और माइनस फोर प्लस में माइनस का फोर तो हमारा माइनस का एट। सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो, यहां से और यहां से हमने फोर एक्स कॉमन लिया, फोर फोर जा सिक्सटीन, एक्स स्क्वेयर में से एक्स तो एक्स माइनस वन, यहां से हमने माइनस वन कॉमन लिया, फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस टर्म विल बी सेम, दिस टर्म विल बी सेम, फोर एक्स माइनस वन, यहां से ये टर्म फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो फोर एक्स इक्वल टू वन, ये वन इस साइड माइनस का उस साइड प्लस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन बाय फोर, फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो फोर एक्स इक्वल टू हमारा वन, एक्स की वैल्यू वन बाय फोर, तो हमारे जो रूट्स हैं वन बाय फोर एंड वन बाय फोर। ईजी है, इस साइड देखते हैं फिफ्थ पार्ट, देखिए जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट में हमें दे दिया गया हंड्रेड एक्स का स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो, कहता है कि सोल्व कीजिए। अब देखते हैं, हमने वही टर्म्स एक्स स्क्वेयर और कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई में हंड्रेड, तो हमें हंड्रेड तो चाहिए थी मल्टीप्लाई, हंड्रेड तो हमें चाहिए थी मल्टीप्लाई, फिर हमें माइनस ट्वेंटी चाहिए था सम, तो माइनस टेन मल्टीप्लाई ऑफ माइनस टेन इक्वल टू प्लस का हंड्रेड, या फिर माइनस टेन प्लस ऑफ माइनस टेन इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी, यही चाहिए था, तो हमारे पास आया हंड्रेड एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ टेन एक्स प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो, दिस टर्म कॉमन टेन और एक्स, एक जीरो कैंसिल तो टेन का टेन, एक्स स्क्वेयर में से एक्स तो एक्स, यहां पे हमारे पास माइनस वन, यहां से माइनस वन कॉमन लिया तो टेन एक्स माइनस वन, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन लिया तो माइनस माइनस प्लस का टेन एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हमेशा सेम होता है टर्म्स, तो टेन एक्स माइनस वन जो हमारा कॉमन लेने के बाद जो पेंडिंग बचा था टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टेन ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टेन ऑफ एक्स इक्वल टू वन, एक्स ऑफ इक्वल टू वन बाई टेन, हमारे टेन ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टेन ऑफ एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन बाई टेन, तो हमारे जो रूट्स हैं वो वन बाय टेन एंड वन बाय टेन। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।